हटा 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 भाई ना बंदा कहाँ है नहीं मिला यहाँ गया बग्गा गोबर था क्या तनु तो बता दो मिट्टी इतनी दूर मिट्टी लगाना रे बालक भाई बहुत गलत चीज हो माँ कसम ये चीज भाई देखो गलत है वीडियो 12:30 आने वाली थी लेकिन यूट्यूब पे कुछ अजीब सा मोनेटाइजेशन ग्लिच चल रहा है मोनेटाइजेशन ही तो हेलो दोस्तों कैम छो भाई लोग मजा माने तो आप सभी के लिए आपका भाई काफी सारी अपडेट लेके आया है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना एंड हाँ भाई लोग आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार दिल से कर लेना। तो चलिए पहली अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे सौरव जोशी एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। यहाँ पे मिस्टर बीस्ट एंड सौरव जोशी के दोनों के बीच कंपेरिजन करेंगे तो भाई लोग मिस्टर बीस्ट सबसे ज्यादा ही आने वाले बट यहाँ पे सौरव जोशी एक जगह पे आगे है। देखो मिस्टर बीस्ट यहाँ पे सब्सक्राइबर में भी आगे है एंड बोले तो इनकम में भी आगे है बट यहाँ पे आपको मैं जो पीक दिखा रहा हूं ना तो यहाँ पे सौरव जोशी व्यूज 334 मिलियन व्यूज है बट यहाँ पे आपको मिस्टर बीस्ट का देखोगे तो यहाँ पे देखो 283 मिलियन व्यूज है मतलब कि बोले गए तो यहाँ पे सौरव जोशी आगे हैं। और हाँ भाई लोग सौरव जोशी का एक और अपडेट है जहाँ पे कल ही वीडियो डाला था कि वो कुछ प्राइमरी के बारे में कुछ डोनेट करना चाहते हैं और सबके पास हेल्प भी मांगी है तो मैं उसका छोटा सा पार्ट प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए जो भी डोनेट कर सके प्लीज थोड़ा बहुत थोड़ा बाकी हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं और आपको दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में कि हम क्या क्या किस तरह से किस स्कूल पर काम कर रहे हैं सब कुछ अब आने वाले सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे एलविस यादव के बारे में। जब एलविस यादव अपने वर्ल्ड चैनल पे ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पे रात को क्या हुआ था तो मैं आपको उसका छोटा सा पार्ट प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। भाई तुम्हारे कसम भग भग के मेरे सांस चढ़ गई साढ़े माता भगते जा रहे हैं भाई एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें जो अभी हमारे साथ हुई है भाई हटा दो मैं हटा 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 भाई ना बंदा कहाँ है नहीं मिला यहाँ गया बग्गा गोबर था क्या तनु तो बता दो मिट्टी इतनी दूर मिट्टी लगाना रे बालक भाई बहुत गलत चीज हो माँ कसम ये चीज भाई देखो गलत है। तुमने देखा होगा मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी और की खासकर ऐसे तो किसी चीज की नहीं करता पर ये जो जिसने भी कराया ना आज मिट्टी भी क्यों हाथ भी क्यों लगाना है ना तो मिट्टी लगाई भाई बहुत गलत करा आपने जो भी थे भाई आप और अगर आप हमारे हत्ते चढ़ जाते अभी तो फिर आपको बताते कि और जिसने कार पीछे किया ना उसका तो भाई उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा कभी भी याद रखना ओके। और ऐसी घिनौनी हरकत कभी मत करना तुम लोगों भी वरना आप एक दिन पछताओगे जरूर। तो अब चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे कॉमर्स वाले के ऊपर। जब कॉमर्स वाले किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं तो मैं आपको उसका छोटा सा पार्ट प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। कॉमर्स वालों को लपेटा करो मारा करो जैसी जाओ कॉमर्स। अगर तुम कॉमर्स के हो ना या फिर आर्ट्स के हो मुझे एक बात बता देना इस अध्यापक ने जो भी इस क्लासरूम के अंदर बोला है बच्चों से ये बच्चों का कॉमर्स के बच्चों को लेकर या आर्ट्स के बच्चों को लेकर आज के बाद से क्या एटीट्यूड होगा मुझे बता देना। मैं इसी के खिलाफ हूँ कि बंद दरवाजों के बीच तो तुम अलग पिक्चर चला रहे हो कॉमर्स के बच्चों को इंफीरियर फील करा रहे हो। यही जो पीसीएम के बच्चे हैं ये सोसाइटी में आके क्या करते हैं यही कॉमर्स के बच्चों को दबाना चालू करते हैं कि तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है। यही लोग आगे चल के मां बाप बनेंगे और बोलेंगे बेटा कॉमर्स मत लेना हमारे अध्यापक ने बताया था कि कॉमर्स के बच्चों को तमाचे पढ़ने चाहिए सीए के बच्चों को तमाचे पढ़ने चाहिए। ऐसे टीचर्स को बदलना जरूरी है। देखो भाई इनकम तो हो नहीं रही सीए बीए का क्या करूं मारूं तो तो चले अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले यहाँ पे यूट्यूब ग्लिच के बारे में। जब यूट्यूब ग्लिच के कल ही मतलब कि यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा था मेरा भी एक सेकंड चैनल है उसके अंदर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया वगैरह किया और सबका यही हो रहा था तो यहाँ पे मैंने ये भी न्यूज़ कवर की है और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी यहाँ पे इसके ऊपर कुछ बोला है तो यहाँ पे मैं आपको उसका भी छोटा सा पार्ट प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बदमाश आइकन भी कुछ बोले हैं। आप सब में से किसी ने नोटिस किया यहाँ मोनेटाइजेशन वीडियो का मोनेटाइज ही नहीं कर सकते हैं कोई भी। आज मुझे लग रहा है कोई इश्यू चल रहा है यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन टैब ही गया है भाई। अब ये मैंने टैग आइकॉन चैनल खोल लिया है इस पर ये देखो मोनेटाइजेशन वाला दिखा रहा है मतलब आज पूरी दुनिया में शायद मुझे लग रहा है लाखों चैनल्स के साथ ये ग्लिच हो रहा है। तो गाइस वीडियो 12:30 आने वाली थी लेकिन यूट्यूब पे कुछ अजीब सा मोनेटाइजेशन ग्लिच चल रहा है मोनेटाइजेशन ही शो नहीं हो रही वीडियोस पे। तो यूजुअली जब ऐसे ग्लिचेस वगैरह चल रहे होते हैं ना तो रीच डेड हो जाती है वीडियोस की तो इसीलिए अभी
ऐसा जब हो जाएगा सब नॉर्मल उसके बाद ही डालता हूँ फिर देखो भाई। यहाँ पे यूट्यूब वालों ने यहाँ पे ये ग्लिच वगैरह तो की थी, बट यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया कि ये वगैरह होता रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ वगैरह रहती है ना, मतलब कि ट्रैफिक ज़्यादा रहती है यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब में रहती है। ओके तो चलिए भाई लोग यहाँ पे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट यहाँ पे आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दिल से कर लेना। तो चलिए भाई ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।